समाज में किसी भी बात को समझाने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। इसी में एक तरीका है नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक एक ऐसा माध्यम है जिससे नाटक का मंचन करके लोगों को उसका सारांश और उद्देश्य बताया जाता है। इसी कड़ी में आशियाना फेज 1 में कौशल विकास केंद्र में एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जहां शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने मिलकर सबको नाटक के माध्यम से ये बताया कि कौशल विकास केंद्र में पाठ्यक्रम करने से क्या लाभ होता है। इसी कड़ी में कोऑर्डिनेटर स्वीटी सक्सेना ने बताया कि ये कौशल विकास केंद्र की उपयोगिता पर विश्वास दिलाया गया है। मेरे बेरोजगार है, यो बताओ बेरोजगारी खत्म हो गए कैसे? हमारे घर में दाना पानी कुछ ना। रुको मैं अभी आती हूँ। मेरा दोस्त राम सेवक बिजली मिस्त्री और सेवक राम राजगीर है, उसने वहाँ से ट्रेनिंग ली है और उसका जीवन यहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा है। और मैंने तो सुना मुखिया जी उसकी बिटिया स्कूल जाने लगी है। अब मुखिया जी मुझे बताओ, मेरे पास तो कपड़े फटे फटे हैं, मैं कैसे जाऊँगा ट्रेनिंग लेने? अरे रामू क्यों चिंता करते हो, कौशल विकास में आपको वहाँ 2 भर्ती दी जाएंगी और साथ में आपको अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अरे मुखिया जी आप नहीं जानते, ये कौशल विभाग वाले फीस में सब कुछ वसूल लेते हैं, ये नहीं छोड़ते। नहीं भाई रामू और गोपाल, मैं आप दोनों को समझा रही हूँ और पूरे जो यहाँ पे सब लोग खड़े हुए हैं उनसे भी यही कहना चाहूंगी कि कौशल विकास प्रशिक्षण में पंजीकरण से लेके जब तक आपका कोई भी रोजगार या आपकी जॉब नहीं लग जाती तब तक आपसे कोई भी शुल्क या फीस नहीं ली जाती। और यहाँ पर क्या कार्यक्रम हुआ है? हाँ सर, मैं स्वीटी सक्सेना हूँ, सेंटर कोऑर्डिनेटर। कौशल विकास का प्रशिक्षण कराया जाता है हमारी योजना के द्वारा। हम लोग फाउंडेशन कंपनी से है, ये गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट चलाती है जिसमें कौशल विकास योजना का इस समय पाठ्यक्रम चल रहा है, इसके लिए शासन से आदेश हुए हैं कि हम लोग इसका प्रचार प्रसार करें। इसके लिए आज हमने अपने सेंटर के पास ही चौराहे पर एक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति करी है जिसके द्वारा हम लोगों को प्रचार प्रसार करके बता सकें कि कौशल विकास आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो क्या लगता है नुक्कड़ नाटक कितना सफल होगा आपका? हमारी पूरी कोशिश है कि लोग इससे कुछ इससे जाने कि ये कितना कुछ कर रही है गरीबों के लिए और ये योजना बिल्कुल निःशुल्क है जिसके द्वारा बच्चे आकर वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हैं, साथ ही रोजगार भी पा सकते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।